हमारे बिहार में एक कहावत है, गाड़ी पे भी लिखा रहता है, लटकलत गैला बेटा काम से, ललटेनिया का जुग गइल। अब जेना ललटेनिया का जुग गइल। अरे मोदी योगी तो फकीर आदमी है यार, उनका क्या क्या करना बिगाड़ लेगा, वो तो थैला उठा के चल पड़ेंगे। जब से मोदी सरकार आई है आप मानते हैं कि भारत मजबूत हुआ है? बहुत ज्यादा। कैसे हुआ आप देखिए, आप देखिए विश्व में कितना डंका बज रहा है। विश्व में डंका बजता तो 28 पार्टियां इकट्ठा होकर के महागठबंधन बना। तुम्हारा ये सारी चोर ना है, इनमें से प्रधानमंत्री बन रहा है इस बार। मैं कह रहा हूँ नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, इनके इनका पता है कौन दुल्हा बनेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरे वो तो चोर है, महाचोर है। राहुल गांधी में क्या कमी दिखाई देती है? अरे पप्पू ना है जी, इसी के लायक होता तो शादी नहीं होता उसका। पप्पू नहीं, देश के महाराजा है वो। काहे का महाराजा जी, एक गरीब आदमी का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री अगर बना है तो उनके पेट में चूहा कूद रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी है सर। जी, कहाँ से आना है तिवारी? बिहार से। बिहार से? हाँ। आजकल बिहार का डंका बड़ा इधर उधर बज रहा है, क्या बात है? बिहार का डंका गलत है। गलत बज रहा है? हाँ, वहाँ आना चाहिए रामराज। रामराज? हाँ जी। और जंगलराज तो चल रहा है? जंगलराज नहीं चाहिए ना। तो नीतीश बाबू को तो आपने ही बनाया ना? नीतीश बाबू को जिसने बनाया वो पछता रहा है, रो रहा है। अच्छा, वो रो रहा है? हाँ, वो रातों रात शादी कर लिए, हल्दी माड़ो सब कर लिए। ऐसा है? हाँ है। नीतीश बाबू, हाँ, आप बता रहे सीएम की बात कर रहे हैं, वो पीएम की सपने देख रहे हैं, तैयारी कर दिया? अरे भाई, पीएम तो दूर जाए, अब वो एक मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं। चलो भाई, वो भी यहाँ से गया? वो भी गया। हाँ, तो मेरा आप न्यूज में लिख लीजिएगा। लिख तो लिया है, इसमें रिकॉर्ड हो गया तो लिख गया समझे। हाँ, और ये आपके घर तक जाएगा? हाँ, मेरे घर तक आप पहुँचा दीजिएगा। बक्सर लोकसभा क्षेत्र है मेरा, रामगढ़ विधानसभा 203 के ग्राम पचलिखी का मैं रहने वाला हूँ। दुर्गावती थाना मेरा, कैमूर जिला मेरा जी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ठीक है, जब से मोदी सरकार आई है आप मानते हैं कि भारत मजबूत हुआ है? बहुत ज़्यादा। कैसे हुआ? आप देखिए, आप देखिए विश्व में कितना डंका बज रहा है। विश्व में डंका बजता तो 28 पार्टियां इकट्ठा होकर के महागठबंधन बना। तुम्हारा ये सारी चोर ना है, चोर को आप 28 पार्टी करें, सारे चोर हैं ये। उन्हीं में से प्रधानमंत्री बन रहा है इस बार? मैं कह रहा हूँ नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, इनके इनका पता है कौन दुल्हा बनेगा। है, चार दुल्हा सामने आ गए, एक भी दुल्हा के लायक नहीं है। ऐसा है? हाँ है ना। आप किसी भी 28 पार्टी में किसी को मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ, मेरे सामने आप खड़ा करा दीजिए, अगर कोई दुल्हा के लायक है तो मैं साला दिल्ली छोड़ दूंगा, बिहार में जाके रह लूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? अरे वो तो चोर है, महाचोर है वो, खांसी वाला, वो क्या जानेगा हाल यार। आप किसी भी आम आदमी पार्टी को मेरे सामने बैठा दीजिए, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, मेरे सामने बैठा। मैं अन्ना आंदोलन में मैं वहाँ पर पानी बांटा हूँ, ये चोर मेरे से क्या बात करेगा? ये महाचोर है, अपने अपने गुरु के आदेश पे हैं ये। लेकिन दिल्ली की जनता का दिल जीता है केजरीवाल ने। ओ भैया, अब दिल्ली की जनता पछता रही है। देखिए, अटल जी ने बोला था, अटल जी ने एक शब्द बोला था, शायद मैं आपसे उम्र में 2-4 साल बढ़ूंगा या तो छोटा रहूंगा। देखिए, अटल जी ने बोला था कि पब्लिक को क्या चाहिए फ्री में? दवाई, एजुकेशन, लेकिन यहाँ में हराम का। अरे भाई, हमें क्यों चाहिए फ्री का? हम यंग आदमी, हमारा हाथ पैर चल रहा है, हम मेहनत करके खाएंगे। मैं कह रहा हूँ 28 के 28 प्रवक्ता को, 28 के 28 पार्टी को, आप मेरे सामने आप किसी दिन आप लाइन पे ले लेना, अगर मेरे बात का एक भी जवाब दे दे, अगर ना पासा पलट के दूसरा तीसरा बात पे कर दें तो मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, राहुल गांधी में क्या कमी दिखाई देती है? अरे पप्पू ना है जी, इसी के लायक होता तो शादी नहीं होता उसका। पप्पू नहीं, देश के महाराजा है वो। काहे का महाराजा जी, सबसे ज्यादा शासन किया है गरीब, एक गरीब देश की जनता ने शासन, एक गरीब आदमी का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री अगर बना है तो उनके पेट में चूहा कूद रहा है। देखिए, अगर हम सत्य राह पे चलने वाले हैं भाई साहब, तो कर नहीं तो डर किस बात का? ये सारे चोर हैं, एक भी खानदान दिखा दीजिए जो साला लिप्त ना हो घोटाला के अंदर। कांग्रेस का, हाँ, कांग्रेस का जो मिसाइल है, हाँ, वो कब परीक्षण होगा उसका? वो मिसाइल खत्म हो गया भैया, वो गया पंडित राहुल गांधी। एक काहे का पंडित है भाई, तो कोई पंडित है? कौन कहता पंडित है?
मोदी के भक्त लग रहे हैं आप। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, ना मोदी मेरे घर पे रोटी पानी देते हैं, ना केजरीवाल देते हैं, ना नीतीश कुमार कहते हैं। आज के डेट में अगर किसी भी स्टेट में आप चले जाइए तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। मैं बिहारी हूँ, अब बिहारी होने के नाते मैं बोल रहा हूँ दोस्त कि अगर बिहार में के बिहार को अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो हिंद दृष्टि से अगर एक भी बिहारी अगर अपने पैर पर अगर जम करके बाहर आया, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में, चाहे खेल में हो, चाहे आपका आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे दानिश हो, चाहे किसी भी पद पर हो, तो अपने दम पे आया है। भाई साहब बिहार में क्या व्यवस्था इन्होंने दिया, बिहार यूपी से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है वहीं आपको 6 से 7-8 जिला जो है आपको आपको थोड़ा सा संपन्न दिखाई देगा, बाकी तो सब गरीबी है, तेल पियावन लाठी निकालन। हाँ एक चीज़ बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको बिहार के अंदर एजुकेशन चाहिए, आपके बिहार के अंदर स्टेडियम चाहिए, आपको बिहार के अंदर अच्छी से अच्छी गुड फैसिलिटी चाहिए। जे सरकार आई उका कही अरे तू हमरा वोट दे, हम तोहरे जाति के हैं ना वो। अरे भैया तू हमरे जाति के वो ठीक बा, हमरे जाति के हुआ तू ठीक बा, लेकिन एक चीज़ तो तू बताओ ना, हमरे जाति पर तू हम पंडित जी हैं, तो पंडित जी के नाम पर हम पंडित जी खड़ा हो गए ना लोकसभा में। देखो भैया हम तोरे जाति के हमको वोटवा जरूर दे दी है भाई, एक चीज़ बताइए कि हम वोट दे देंगे। ठीक है मैं मान गया वोट दे दिए, 500 रुपया ले लिए। हमारे बिहार में क्या चलता है, मुखिया का चुनाव से ले लीजिए, जिला पार्षद का लीजिए, वार्ड सदस्य से ले लीजिए, अब किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है बस यही होता है। लालू जी ने जो भी राज किया है भाई साहब वो बिहार को बनाया है। आप चाहते हैं कि जातिगत जो राजनीति है खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जातिगत जनगणना आप ही के बिहार में हो रही है दादा। अरे भाई तो आप नहीं जानते हैं बिहार जातिगत जनगणना क्यों हो रहा है। लालू जी देखना चाहते हैं कि हमारा ओबीसी वोट कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, नीतीश जी देखना चाहते हैं कितना है, लल्लन बाबू देखना चाहते हैं कितना है। आपको फिर उसके बाद आइए न्यू जनरेशन में तेजस्वी यादव जी हैं वो देखना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए कि यादव हैं ठीक है मैं मानता हूँ, क्या कोई ज़रूरी है कि बाबू मुख्यमंत्री बना तो बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसके बाद पोती भी मुख्यमंत्री बनेगी, फिर वो भी मुख्यमंत्री बने? क्या आरजेडी के अंदर और कोई पार्टी और कोई नेता नहीं है उसके अंदर? नेट पूछने का ढंग ना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई साहब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त कि हमारे बिहार की जनता अभी नहीं समझ पा रही है कि हमें मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए। आपको प्रशांत कुमार जी जो घर घर जो चला रहे हैं, आप थोड़ा बिहार में भी जाइए, घर घर चला रहे हैं, उस बेचारे को आगे नाथ न पाछे पग, उसको काया कमाया है, लेकिन आज वो क्यों चला रहा है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप यादव हो ना, अगर वो बंदा अगर गरीब है अच्छा है उसको वोट दे करके उसको जिताइए, वो जाएगा तो कुछ बनेगा, कुछ करेगा सोचेगा उसके लिए। एक चीज़ बताइए भाई, राजा का लड़का अगर राजा ही बनेगा तो प्रजा के लिए क्या सोचेगा? आप खगड़िया चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, सुपौल चले जाइए, बेतिया चले जाइए, डाल्टेनगंज चले जाइए, मैं सभी जिला घुमा हूँ इस उम्र में, मैं सभी जिला घुमा हूँ दोस्त। अगर एक भी जिला में अगर आप विकास दिखा दो तो मेरे को बता देना, एक भी स्कूल आज भी शुद्ध से बिहार में स्कूल नहीं है दोस्त। देखिए वही नीतीश कुमार यादव, सुनिए पप्पू यादव जी बोलते हैं, पप्पू यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, आपको राघोपुर से कई बार चुनाव भी जीते हैं। आज पप्पू यादव जी के क्षेत्र में दिखा दो कितने विकास है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। नीतीश बाबू के राज्य, नीतीश बाबू के होम टाउन का लड़का सोनू, गरीब का बच्चा, वो जा करके मिल रहा है सर हम पढ़ने के लिए तैयार हैं सर, हमको अच्छा एजुकेशन दे दीजिए सर। आगे देखो विचार करो, लिखो जी, नोट करो इसका जी। यार ये कोई मतलब है? इसके बावजूद वो कह रहे हैं कहाँ है क्राइम, वो कह रहे हैं क्राइम भाई, कह रहा हूँ सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कहाँ है क्राइम भाई, तो उनकी आंखों पे पर्दा है ना, वो पर्दा हटेगा तब ना पता चलेगा जी। हटेगा दादा? वो हटाएगा, अब खत्म है वो, अब वो गए बेटा, गया काम से लटक। हमारे बिहार में एक कहावत है, सुनिए हमारे बिहार में एक कहावत है, गाड़ी पे भी लिखा रहता है, लटकलत गईला बेटा काम से, ललटेनिया का जुग गईल, अब जेना ललटेनिया का जुग गईल, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बा, पहले हाथ से मोहर मरा था, बैटरी वाला से मरा था, वो इलेक्ट्रॉनिक से मरा था। आ जवान लोग कहत हुआ कि मशीन में घोटाला हो रहा है, तो मैं भाई साहब मैं इलेक्शन का, मैं मुहिम का, जब एकदम मशीन का मैं आंखों से देखी हुई हाल है, मैं इलेक्शन कराता हूँ, मैं इलेक्शन का एकदम पार्ट बनता हूँ, ड्यूटी रहता है,
मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब एक चीज बताइए, हिमाचल जब चुनाव जीतते हैं तो मशीन नहीं खराब रहता है, महाराष्ट्र जीतते हैं तो मशीन नहीं खराब रहता है, राजस्थान जीतते हैं तो मशीन नहीं खराब रहता है, बिहार में सरकार बनती है तो मशीन नहीं खराब रहता है, तमिलनाडु में जाते हैं उधर, केरला में जाते हैं उधर सरकार उठवा होती है, नहीं खराब है। अरे भाई साहब एक चीज़ बताओ, पेटों में दर्द क्यों है? अरे मोदी योगी तो फकीर आदमी है यार, उनका क्या क्या करना बिगाड़ लेगा, वो तो थैला उठा के चल पड़ेंगे। अगर बिहार में, बिहार की जनता अगर चाहती है तो बिहार में राम राज चाहिए और जय श्री राम चाहिए, वरना और कोई नहीं चाहिए भैया। ना चाहिए नवी फेल, ना चाहिए नवी फेल। एक चीज़ बताइए, तेजस्वी यादव जी को मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूँ दोस्त, अगर तेजस्वी यादव जी को एक भी इंजीनियर वहाँ से हटा दीजिए और एक भी प्रोजेक्ट आप दे दीजिए कि बताइए बिहार के कोसी नदी के ऊपर फ्लाईओवर कैसे बनेगा, कितने एमएम का ढलैया होगा, कितने एमएम का क्या होगा, कितने एमएम की सरिया लगेगी, कितने एमएम का सीमेंट लगेगा, कितना कितना क्या क्या आइटम जाएगा और कितने फुट पे पिलर गड़ेगा, नहीं पता उनको, कुछ नहीं पता। अरे भैया सोना का चम्मच जो लेके पैदा हुआ वो क्या जानेगा दुख, अरे की जाने दुखिया की माँ। मैं दिल्ली के रोडों पे, मैं 2010 में आया दोस्त, तो मैं जो है देखा, एक मिनट भाजी, मैं दिल्ली के रोडों पे आया तो मैं रोड पे मैं इंडिया गेट घूम रहा था, वहाँ पर देखा, यहाँ देखा कि गाड़ी, यहाँ देखा कि गाड़ी में एक कुत्ता जा रहा था, तो मैंने देखा कि भाई वो कुत्ता क्यों जीभ निकाल के हाँकर हाँकर हाँप रहा है। मैंने बड़ी विचार से उसको सोचने लगा, मैंने कहा वो इसका मतलब वो हमको जो है ना कह रहा है कि देख देख तू गाँव से निकल के आया है ना, तू रोड पे खड़ा है और देख मैं एसी गाड़ी में घूम रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर वो भोंकेगा ना तब पर भी वो मसलंद पे ही सोएगा।